दोस्तों, डिस्को डांसर बॉलीवुड की एक ऐसी मूवी जिसने मिथुन चक्रवर्ती को उस समय रातों रात सुपरस्टार बना दिया, जिस समय इतने बड़े बड़े एक्टर हुआ करते थे कि इन सब को टक्कर देना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती की 1982 की आई डिस्को डांसर ने ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो आज भी एक रिकॉर्ड बन के रहता है। डिस्को डांसर ही वो मूवी है जो कि उस समय 100 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और डिस्को डांसर इतनी ज्यादा सफल हुई, क्यों सफल हुई और इसमें आखिर राजेश खन्ना साहब जो थे उन्होंने छोटा रोल क्यों किया, क्या आप जानते हैं? और छोटा रोल करके उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया। साथ ही इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती से पहले कोई और भी एक्टर आने वाला था, कोई और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की जगह पर काम करने को तैयार था, लेकिन क्या वजह हुई कि वो बंदा भी इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। दरअसल इस फिल्म में पहले मिथुन चक्रवर्ती की जगह जावेद जाफरी को कास्ट किया जाना था। जावेद जाफरी जो कि उस समय के एक बेहतरीन डांसर हुआ करते थे और मिथुन चक्रवर्ती एक स्ट्रगलर एक्टर थे, जिसकी वजह से इस फिल्म में जावेद जाफरी को चुना गया था पहले फिल्म में काम करने के लिए। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती का भी रोल था इस फिल्म में, लेकिन जावेद जाफरी का जो रोल था वो था मिथुन चक्रवर्ती के सामने, यानी कि मिथुन चक्रवर्ती के साथ कंपटीशन करने के लिए जावेद जाफरी को कास्ट किया गया था। और जब मिथुन चक्रवर्ती अपने इस फिल्म से इतने बड़े सुपरस्टार बन गए तो जाहिर सी बात है कि जावेद जाफरी का भी एक नाम आज बन गया होता अगर वो इस फिल्म में काम कर लिए होते। चलिए खैर छोड़िए, जावेद जाफरी ने तो नहीं किया क्योंकि उन्हें एक बड़ा रोल चाहिए था, लेकिन राजेश खन्ना साहब ने इतना छोटा रोल क्यों किया? क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार थे और उन्होंने एक स्ट्रगलर एक्टर के लिए इस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाई। दरअसल मैं आपको बता दूं कि राजेश खन्ना भी एक ऐसे स्टार है ना कि जो अपने से छोटे एक्टरों को ऊपर उठाने के लिए हर समय तैयार रहते थे। जहां भी जरूरत पड़ती थी राजेश खन्ना हर एक का साथ देने के लिए आ जाया करते थे। वहीं एक राजकुमार साहब भी थे जिनके बारे में आपने सुना होगा, भाई ये तो इतने एटीट्यूड वाले बंदे थे कि ये अपनी फिल्मों में किसी को आसपास भटकने नहीं दिया करते थे, नए नए एक्टरों को लेते ही नहीं थे। लेकिन राजेश खन्ना साहब ने मिथुन चक्रवर्ती की बात और उनकी कहानी और उनके एक्टिंग को देखकर इस फिल्म में काम करने को तैयार हुए और छोटा सा रोल किया। जैसे कि आपने ये फिल्म देखा होगा तो इस फिल्म में पहले राजेश खन्ना साहब मिथुन के बचपन के किरदार में मिथुन के साथ दिखे, उसके बाद मिथुन की आखिरी सीन में राजेश खन्ना नजर आते हैं और वहां पर उनका अंत हो जाता है। तो मिथुन चक्रवर्ती के डिस्को डांसर में राजेश खन्ना साहब का बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से आज मिथुन दा इतने बड़े सुपरस्टार कहे जाते हैं और मिथुन चक्रवर्ती भी ये एहसान कभी नहीं भूल सकते।